चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेंथ एल ऑफ वायर कैरीज स्टेडी करंट आई, इट इज बेंड फर्स्ट टू फॉर्म अ सर्कुलर प्लेन कॉइल ऑफ वन टर्न, द सेम लेंथ इज नाउ बेंड मोर शार्पली टू मूव टू गिव अ डबल लूप ऑफ स्मॉलर रेडियस, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कॉज बाई द सेम करंट कितना होगा। तो मान लो ये एक वायर है ए बी, ठीक है, ए बी वायर है, इसकी लेंथ एल है, इससे आपने क्या बनाया, एक सर्कुलर लूप बनाया एक टर्न का, ठीक है, इसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही है, इसका रेडियस आर है, तो टू पाई आर लेंथ एल के बराबर होगा, स्मॉल एल नहीं कैपिटल एल है ना, कैपिटल एल के बराबर होगा, ठीक है, इसमें करंट आई एम्पियर की फ्लो हो रही है। दूसरा लूप हमने बनाया स्मॉलर रेडियस का, इसमें दो टर्न्स हैं और इसका रेडियस आर डैश है, तो इसमें क्या होगा, टू पाई आर डैश, टू पाई आर डैश का डबल लेंथ ऑफ द थ्रेड के बराबर होगा, वायर के बराबर होगा, ठीक है। यहां पर आर इज इक्वल टू क्या होगा, एल बाई टू पाई, यहां पर आर डैश की वैल्यू होगी एल बाई फोर पाई, ठीक है, करेक्ट है। अब पहले सिचुएशन में, केस वन में और केस टू में, दोनों सिचुएशन में हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। केस वन में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू टू आर, टू आर होगा। दूसरे केस में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर डैश, लेकिन क्योंकि दो लूप हैं मतलब दो टर्न हैं, तो इसमें यहां पर टू यहां लगा देंगे आप, ठीक है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूं, यहां पर आप टू लगाएंगे, नंबर ऑफ टर्न जितने टर्न्स होते हैं वो एन यहां पर यूज होता है, यानी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया एन म्यू नॉट आई अपॉन टू आर का, ये स्टैंडर्ड, तो जितने टर्न उतना मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टू से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो अब देखो यहां पर आर की वैल्यू यहां से रखी जा सकती है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू इन टू एल बाई टू पाई, टू से टू कटा, म्यू नॉट पाई ऊपर चला जाएगा, पाई इंटू म्यू नॉट आई बाई एल, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट केस में पाई है, फिर म्यू नॉट है, फिर आई है डिवाइडेड बाई एल। अब इस दूसरे केस में क्या होगा, टू इंटू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर डैश की वैल्यू कितनी होगी, आर डैश की एल बाई फोर पाई, एल बाई फोर पाई, टू से टू कटा, बी टू इज इक्वल टू फोर पाई म्यू नॉट आई बाई एल। तो अगर B2 अपॉन B1 निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 टाइम्स आएगा, यानी पहले के कंपेयर में मैग्नेटिक फील्ड चार गुना बढ़ गई ना, तो कौन सा ऑप्शन ऑप्शन सही है, 4 टाइम्स फर्स्ट वैल्यू, पहले वैल्यू का 4 टाइम्स, ये ऑप्शन ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।